सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, ये देखिए आपके सामने फील्ड मार्शल का 10 एचपी का इंजन है। मैं आज आप लोगों को इसके विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि इस पे लोड कितना ये लेके चल सकता है, इसकी कीमत कितनी है वर्तमान में, और यह डीजल खपत प्रति घंटा कितने लेता है अल्टरनेटर पे किसी अन्य काम पे। तो साथियों, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे फील्ड मार्शल कंपनी के विषय में। यह गुजरात के राजकोट की एक कंपनी है जो कि अब उत्तर प्रदेश से समेत तमाम जगहों पर अपनी फैक्ट्री डाल चुकी है। दोस्तों, पहले के ज़माने में होता था कि जिसके घर ये सब चीज़ें होती थी उसे गांव में लोग कहते थे कि अरे ये बड़कवा हैं, ये हैं, वो हैं। साथियों, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। अब तो जिसके घर ये है उसे पुराने ज़माने का माना जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। इसके होने पर एक अलग ही अनुभव है साथियों, आप लोग देखेंगे तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम आप लोगों को बता देते हैं कि ये दोस्तों डबल व्हील डबल चक्के का इंजन है और जिसकी वजन 4 क्विंटल है, और ये 10 kV का अल्टरनेटर बड़े आराम से प्रति घंटे एक से सवा लीटर का इंजन, मतलब डीजल खपत के साथ 10 kV का अल्टरनेटर खींच सकता है। कंप्रेसर है इसमें साथियों, बहुत ही आसानी से वर्क करता है। ऑन ऑफ का सिस्टम, मोबिल पंप, फिल्टर, सब कुछ इसमें बराबर वर्क है। और ये देखिए, ये इसका ऊपर का साथियों ये पंप है, ये ढक्कन नुमा जो लगा होता है ये ऊपर का पंप है इसका। बहुत ही मतलब इसको टेक्निक साथियों कह लीजिए, मतलब स्टार्ट करने की एक अलग ही कला होती है। यदि जिन्होंने इसको नहीं स्टार्ट किया है कभी भी, यदि वो स्टार्ट करेंगे तो पक्का है कि या तो उनका हाथ तोड़ देगा या तो कुछ हो जाएगा साथियों उनको। तो आप लोगों ने भी स्टार्ट किया ही होगा, हम लोग जो है किसान संबंध रखते हैं। तो देखिए, एक सज्जन है जिन्होंने स्टार्ट करने का प्रयास किया है और बाद में स्टार्ट भी करते हैं, लेकिन अभी इसकी सर्विसिंग हो रही है बहुत दिनों से साथियों। अब तो ये जो है ऐसे ही पड़ा रहता है, मेरे घर पे कोई वर्क नहीं है इसका, लेकिन मैंने इसको रखा हुआ है। घर वाले कहते हैं कि बेच दो, लेकिन मैं कहा नहीं, जो चीज़ है वो है, क्यों उसको बेचना है। बहुत ही अच्छी, कम से कम ये निशानी है कि मेरे दादाजी ने इस चीज़ को ख़रीदा था, मैं क्यों बेचूँ इसको। आज बहुत मिलेगा तो 30-32 हज़ार मिल जाएगा, उससे क्या हो जाएगा। तो हम लोग जो है काम वाम नहीं इससे कोई लेते हैं, लेकिन इसको मैं सर्विस बराबर करवा देता हूँ साथियों। और देखिए, ये इसका डीजल वाला पोर्शन है साथियों, जहाँ से ये डीजल इंजन में फिल्टर होके जाता है। तो यह एयर लिया हुआ है, तो इन्होंने जो है मिस्त्री साहब ने एयर निकाल रहे हैं। मतलब साथियों, इंजन कह लीजिए आपकी डीजल और एयर दो वजहों से ही इंजन वर्क करता है। आप लोग देखेंगे तो जहाँ पे इंजन होता है वहाँ से इसको सांस लेने के लिए एक ढकनी लगाई गई होती है। जब ये चलता है तो सांस मतलब बाहर छोड़ने और खींचने दोनों का आवाज़ आता है। तो आप लोग ने भी देखा होगा ये चीज़, जो एयर निकल गया उसके बाद इसको कस के अब इसकी मूवी पलटी की जाएगी इसमें, और इसमें पानी का सिस्टम होता है साथियों। इसमें कूलिंग ऑयल नहीं पड़ता है, ये पानी के माध्यम से ही ठंडा और गर्म होता है, पानी इसमें आता जाता है। तो ये देखिए इंजन का सिस्टम है, इसके अंदर का इंजन मैं दिखा रहा हूँ अभी आप लोगों को। अब देखिए, इसका ढकनी लगा के हम लोग सेटअप इसका कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। हम लोग फिर इस ढक्कन को भी उतारेंगे साथियों, क्योंकि इसमें अभी मोबिल डालना है। देखिए, हम लोगों ने उतार दिया है ढक्कन को, और फिर से इसमें अभी मोबिल, हम मैंने किर्लोस्कर का मोबिल लाया साथियों। तो आप लोगों के घर में भी ये है या नहीं है, आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसके होने की एक अलग ही अनुभूति होती थी साथियों। बहुत ही गर्व महसूस होता है आज के समय में, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत कम जो समाप्ति के लगभग दौर में आ चुकी हैं वो चीज़ें हैं हमारे पास। तो मैं इसका बाद में उपयोग अल्टरनेटर वगैरह लगा के घर में जनरेटर का भी काम में भी ले सकता हूँ। तो कैसा लगा वीडियो हमारा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं साथियों, क्योंकि हम आपके प्रेम और सौहार्द से आगे बढ़ें, यही हमारी आकांक्षा है आप लोगों से। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।